सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसे अपनी गद्दी को लगातार सुरक्षित कर रहे हैं। एनडीए में भी सुरक्षित किए हुए थे, मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल को ठगा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको ठग रहा है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्वेता। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, ऐसे में विधानसभा पहुंचे तारकेश्वर प्रसाद से छपरा जहरीली शराब मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सिस्टम इसे सख्ती के साथ लागू नहीं कर रही है और वो हमेशा से शराबबंदी के पक्ष में थे और आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और प्रशासन भी इस शराब मामले में जुड़ी हुई है और प्रशासन को आगे सख्ती से काम लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है तारकेश्वर प्रसाद ने। देखिए, बहुत परंपरागत तरीके से शराब चल रहा था और उसको हम सबों ने मिलकर रोका है और हम सब आज भी चाहते हैं कि शराबबंदी रुकनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसे गंभीरता से लेकर इसे रोकने की आवश्यकता है। और जो परंपरागत रूप से इसके सेवन करते रहे हैं उसको उन्हें प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि वो शराब की बुराइयों को समझ सकें और उनका शराब बंदी से उनका जीवन बेहतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक जन जागरण अभियान के रूप में भी लेने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं सवालों का उठाते थे, निश्चित तौर पर हम सब व्यक्तिगत बातचीत में भी उठाते थे और आज भी हम शराबबंदी के समर्थक हैं, क्योंकि जब हम सब हम विपक्ष में थे तभी नशाबंदी हो उसके पक्ष में थे, उससे हम थोड़ी पीछे हटने वाला, ये तो एक सामाजिक बुराई है। पुलिस का रवैया लग रहा है कि कहीं नहीं, नहीं देखिए, पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं जो शराब के कारोबारी हैं उनके साथ उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके चलते इसे बेहतर ढंग से वो रोक नहीं पा रही। तेजस्वी यादव 2025 में लीड करेंगे? नहीं देखिए, मैंने तो बताया है कि श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव तक अपनी इस गद्दी को सुरक्षित करनी है। वो तो 2005 से ही अपनी गद्दी को लगातार सुरक्षित कर रहे हैं, एनडीए में भी सुरक्षित किए हुए थे, बीच के कालखंड में वो महागठबंधन में जब गए तो वहाँ भी उनकी मुख्यमंत्री का पद उनका सुरक्षित हो गया और अभी 2024 या 2025 के चुनाव तक भी उन्होंने अपनी सीट को मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित कर लिया है। अब जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय हैं उनको चिंता करनी है कि 2025 का टिकट कौन बांटेंगे। नीतीश कुमार के बात तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी के बात पर भरोसा की बात नहीं है, भरोसा और गैर भरोसा का बात तो अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा। उनका तो राजनीतिक भरोसा है उनसे तो खत्म हो ही गया है, जो उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन जिस महागठबंधन में वो गए हैं वहाँ भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ठगा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको ठग रहा है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आपने सुना क्या कुछ कहा तारकेश्वर प्रसाद ने? उनका कहना है कि जो लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं उन्हें भी समझना और जागरूक होना पड़ेगा कि शराबबंदी से उनकी जीवन और बेहतर हो सकती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।